तो भाई थोड़ा यूनिक तरीके से आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। फिलहाल हाईवे तक के लिए मुझे मेरी मौसी छोड़ दे रही हैं अपनी स्कूटी में। सवेरे के टाइम बज रहे हैं लगभग अभी 10:10, और ये है भाई मेरे पास अभी मेरा बैग। अब यहाँ से थोड़ा सा हाईवे तक जाते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से पहुँचते हैं। तुम्हारी सीढ़ी में चढ़ने की मेहनत करनी पड़ती है, इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ी और अंधेरे की दुकान अलग भाई। तुम्हारी स्कूटी वाली मौसी बाय बाय बोल दो कैमरे। चलो भाई ना चलिए रे भाई। मौसी ने अभी छोड़ दिया है आधे रास्ते में हाईवे में। उनको बताया नहीं अभी कि हिचहाइकिंग करने के लिए जा रहा हूँ करके। उनको बताता कि भाई हिचहाइकिंग लिफ्ट मांग के जाना है तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते मेरे को। ये 400 किलोमीटर का अभी कम से कम कवर करना है। चलिए देखते हैं, पहली बार लाइफ में हिचहाइकिंग का एक्सपीरियंस हो रहा है, देखते हैं कैसा होता है। पेशेंस हो सकता है कि लिफ्ट मिले ही ना और बस से ही जाना पड़े, कुछ नहीं बोल सकते। अभी फ़िलहाल तो सामने का एरिया क्रॉस करना है। कैसे चाचा एक बॉटल कितने की बेचते वाली? भाई ऐसे क्रॉस करना पड़ रहा है ब्रिज को वो साइड जाने के लिए। तो भाई ग्रिल क्रॉस हो गई है, अब यहाँ से चलो लिफ्ट मांगते हैं थोड़ा आगे तक के जहाँ पे भोपाल एंड होता है। जहाँ पे भोपाल एंड होगा वहाँ पे क्या होगा कि लिफ्ट इजीली मिल जाएगी, क्योंकि ट्रक्स वगैरह वहाँ से स्टार्ट होंगे। क्योंकि दिन में आई थिंक रात के 10 या 11 से पहले सिटी के अंदर ट्रक अलाउड नहीं है, और मुझे ट्रक शायद थोड़े थोड़े रास्ते के लिए लेना है। पहले यहाँ से मुझे छिंदवाड़ा या फिर परासिया यहाँ कहीं के लिए मिलेगी लिफ्ट, फिर वहाँ से लगे तो चेंज करना हो तो कर भी लूँगा। गाड़ी खड़ी है भाई साहब, कोई है नहीं, गाड़ी खड़ी है पर कोई है नहीं उसमें। यहाँ पर पीछे एक अंकल दिख रहा है, उनसे बात करके देखता हूँ, अगर वो जाएंगे तो आगे तक छोड़ देंगे। तो आगे साइड थोड़ा सा क्या है सिग्नल है, तो सिग्नल में थोड़ा गाड़ी स्लो होगी तो शायद मिल सकती है वहाँ से लिफ्ट। देखते हैं थोड़ा सा आगे, देखो सामने सिग्नल दिख रहा होगा आपको ये, तो वहाँ पे गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं तो वहाँ साइड पे देखते हैं ट्राई करके एक बार। प्रॉब्लम हो गया, भैया मुझे आगे तक ड्रॉप कर रहे थे लेकिन भैया की गाड़ी थोड़ा सा पंचर हो गई, वो खीला आ गया, उसमें खीला गड़ गया गाड़ी में, तो उस कारण गाड़ी पंचर हो गई। तो वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड वो जा रहे हैं, वहाँ नीचे साइड जो है वो पंचर बनाने वाला वहाँ पे बैठता है बोले, तो भैया वहाँ पे पंचर बनवा दे रहे हैं। अब चलिए मेरा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं हाईवे तक तो आ गया हूँ, अब यहाँ से मे भी लिफ्ट मिल जाए मुझे आगे तक के लिए, देखते हैं। चलो फोर लेन में आ गया हूँ, यहाँ से कोई कार वाल एक लिफ्ट मिली भाई ब्रिज। थैंक यू, आगे अंदर हूँ मैं लेकिन। हाँ नहीं कोई नहीं, मेरे को ब्रिज के नीचे चले बस। तो भाई ब्रिज क्रॉस कर लिए हैं, ब्रिज क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे साइड में आ गया हूँ, अब यहाँ से देखता हूँ कोई बड़ी लिफ्ट कार वगैरह ऑटो वगैरह या फिर कार या फिर ट्रक, कुछ बड़ी लिफ्ट चाहिए यहाँ से, तब जाके अब मैं कंटिन्यू पहुँच पाऊँगा, नहीं तो छोटे छोटे लिफ्ट में काफ़ी टाइम चला जाएगा।
इसका टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगा उसका भाई, कुछ गाड़ी स्पेशल थी लगते हैं। एक ज़माने के बाद टू व्हीलर का भी चालू कर देंगे लग रहा है ये लोग टोल टैक्स। तो भैया यार बहुत बहुत धन्यवाद, भैया ने अब्दुल्ला गंज तक छोड़ दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर का जो रास्ता है वो भैया ने करवा दिए हैं। अब यहाँ से देखना है होशंगाबाद के लिए, अगर गाड़ी मिलती है तो होशंगाबाद। अभी जो हम लोग आ गए हैं वो निकले हैं भाई भोपाल, भोपाल से मिसरोद, मिसरोद से मंडीदीप, मंडीदीप से अब्दुल्लागंज। अब अब्दुल्लागंज से जाने का है अपने को होशंगाबाद। एक लिफ्ट मिली है भाई, भैया ने ट्रक रोके हैं। कहाँ तक जा रहे भैया? होशंगाबाद तक तो छोड़ दोगे? अच्छा आगे से मुड़ रहे हो, क्या ठीक है भैया। क्या बोले, कैसे खुलता है? अरे बच्चा मैं अब्दुल्लागंज जाऊंगा, अब्दुल्लागंज से कंडक्टर साहब जाऊंगा। अरे बाप रे, मंगलेश भैया जी ने हमको थोड़ा सा अभी लिफ्ट दिए आगे तक के लिए। मुझे लग रहा था भैया थोड़ा सा आगे तक जाएंगे छिंदवाड़ा होशंगाबाद तक के, लेकिन वो थोड़ा सा उनको यहीं से मुड़ना है, कोई बात नहीं रोक दिए। फिर भी मैं पहली बार ट्रक के अंदर बैठा हूँ, ये पीछे का अलग स्पेस होता है भाई ट्रक में, सोने की जगह है, पूरा सोने होने की जगह एक नंबर। और ये ठंडा पानी रखे भैया ने, लाइव लॉन्ग लेसन है, लाइव है, लाइव नहीं है, जाएंगे आप बम्बई। सर बढ़िया है, भैया का खुद का ट्रक है भाई, और लंबे लंबे सफ़र चला रहे हैं, भैया से थोड़ा सा क्या कांटेक्ट ले लेंगे तो भैया आना जाना चलता रहेगा बड़े बड़े शहरों में एक हाथ पर, तो कभी ट्रिप बना लेंगे, हिचहाइकिंग हो जाएगी पहचान वाली। अपने को सीधा जाना है कि इधर जाना है छिंदवाड़ा के लिए? छिंदवाड़ा के लिए सीधा जाना, सीधा ना। तो अपने को ट्रक ये वाला पूछूं कि वो आगे से? नहीं अभी तो ये तो खड़े रहेंगे, क्या पता कब तक खड़े, ये तो लंबे टाइम के लिए खड़े रहेंगे। हाँ तो ऊपर साइड में मिल जाएंगे मेरे साथ? नहीं अभी कंपनी से छूटेंगे, यहाँ सागर कंपनी से। अच्छा तो यहीं पे मिल जाएंगे, अभी होटल पे तो मिल जाए ना, सफर हो रहा है, ठीक है ना भाई। अरे भैया भाई ने छोड़ दिया है अभी थोड़ा सा आधे रास्ते में। अब यहाँ से हमको ट्रक वगैरह को देखते हैं जो खड़े हुए हैं, जो कि छिंदवाड़ा साइड जा रहे होंगे तो देखेंगे। तो भाई अभी मंगेश भाई के ट्रक से उतर के अब हम ये फोर लेन साइड में जा रहे हैं वापस से, उन्होंने मुझे सर्विस रोड साइड में छोड़ दिया था, और यहाँ से वो निकल के बाएं साइड में, और अभी हमको जाना है यहाँ से सीधा फोर लेन, क्योंकि यहाँ साइड में अपने को ट्रक मिलेंगे फोर लेन में। अगर मिल गया तो लंबे रास्ते के लिए, और नहीं मिले तो फिर छोटे छोटे रास्ते करके जाना पड़ेगा, लेकिन क्या है डेस्टिनेशन मिलते रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा कवर होते आ रहे हैं। जैसे अभी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर हम कवर कर रहे हैं, और थोड़ा सा अभी 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई, ऐसे कर करके छोटी छोटी ही चेकिंग करके बड़ा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। लेकिन अगर एक बड़ा ट्रक मिल गया तो काम ही ख़त्म हो जाएगा, फिर टेंशन नहीं रहती है। अब यहाँ से कोशिश करूँगा कुछ नहीं सही तो 100-200 किलोमीटर का लिफ्ट तो मिल ही जाए। अब देखते हैं ब्रिज के ऊपर से। तो भाई ये आ गया मैं हाईवे में, अब यहाँ से एक ट्रक आते हुए दिख रहा है मुझे, अब वो ट्रक को देखना है कि कहाँ तक के जाता है करके, अगर रुक जाता है तो ठीक है, नहीं रुकता है तो ठीक है। चलो कोई नहीं, रोके नहीं भैया ने, देखते हैं। और चलो दो ट्रक का है, रुके तो नहीं है, आगे देखते हैं हाईवे में। अभी
करीब 15-20 मिनट हो गए हैं वहीं पे खड़ा हूँ मैं अभी भी। थोड़ा से गाड़ियाँ यहाँ से, अच्छा है कि दोनों साइड से जा रही हैं मेरे पास से, यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, वो बाईपास से होती है जो इस लेन में जाएंँगी, पर ये साइड से भी आ रही हैं। अब देखते हैं किस साइड की रुकती है, कोशिश तो कर रहा हूँ और लेकिन पेशेंस लगेगा यहाँ के लिए। भाई एक ट्रक वाले भैया ने रोके हैं गाड़ी, कहाँ तक जा रहे भैया? हमें को छिंदवाड़ा देखना था, नहीं तो उसके आधे रास्ते में कहीं पर बीच में होशंगाबाद या फिर और आगे भी एक दिन पकड़ना। तो भाई साहब एक छोटी सी लिफ्ट मिल गई है, अभी देखते हैं कहाँ तक के। मुझे लोगों को रायपुर जाना है, अभी हम लोग बैठ गए हैं होशंगाबाद के लिए। अब होशंगाबाद के बाद देखते हैं वहाँ से डायरेक्टली कहीं छिंदवाड़ा के लिए अगर गाड़ी मिलती तो छिंदवाड़ा के लिए जाएंगे, या फिर थोड़ा सा आधे रास्ते तक के लिए भी मिलती तो भी वहाँ तक के लिए। सतीश भैया ने हमको लिफ्ट दिया, अभी सतीश भी हमारे साथ हमारे साथ भैया हैं। अब कहाँ से आ रहे हो भैया? भोपाल से रायपुर, फिर वहीं से वापस सामान लेंगे। भैया लोग भोपाल से रायपुर के लिए जा रहे हैं। सच में गाड़ी देख लो सब, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, सिर्फ बैठने का केबिन है ये, जहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका समझ के चलो दो दो तीन तीन दिन का रास्ता होता है, तो ये कूलर है यहाँ पर, ब्लैंकेट है, सब ले दे के चलना पड़ता है, और पीछे लाखों रुपए का माल पड़ा होता है, वो जिम्मेदारी रहती है। भैया का पूरा खाने पीने का सामान रखा हुआ है, गैस चूल्हा वो मैं चढ़ रहा था तभी देखा मैंने कि गैस सिलेंडर रखा हुआ। क्या है कि होटल में खाते हैं बहुत महंगा पड़ जाता है ना भैया, सही बात है। राजू भाई ने भाई चाय लाया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई, वीडियो देखिएगा ना। चलो यहाँ तक कि अपना सफर था भैया के साथ, अब थोड़ा सा जूते वगैरह पहना जाए। अगर आप इस तरफ में जाते तो हम लेके। अरे नहीं बिल्कुल, आपने इतना मदद कर दी, बहुत अपन जो अब एकदम से अपन को मिलेगा नहीं ना आखिर तक के लिए, थोड़ा 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 देखना पड़ेगा। तो वो गाड़ी जो आ रही थी जबलपुर वाली, अच्छा वो वाली ना, लेकिन अब वो मुड़ जाएगी शायद, मुझे लग रहा है यहीं से जाएगा वो। चलिए हमारे राजू भाई चल दिए, अभी हम लोग को पिपरिया वाले रास्ते जाना है। भाई साहब मिल गए थे थोड़ा हाईवे में और ड्रॉप कर दिए मुझे यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा बताएं कि यहाँ पे अभी थोड़े दिन में गाड़ी मिल जाएगी कोई ना कोई, तो पिपरिया यहाँ पर छिंदवाड़ा के लिए यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी ना, पिपरिया छिंदवाड़ा पचमढ़ी। अच्छा बस पचमढ़ी पूरा छिंदवाड़ा पूरा ये लिंक हाईवे है मैं पूरा मेन लिंक। अच्छा रोड ऐसी जगह, बड़ी रोड नहीं यहाँ से? नहीं नहीं ये बाईपास है। अच्छा अच्छा ये बाईपास है और ये अपना NH12। अच्छा तो ये मतलब यहाँ पे पूरा मिल जाएगा पचमढ़ी तक, तो मिल जाएगा पचमढ़ी तक मिलेगा छिंदवाड़ा, मतलब ये ट्रैक पूरा नागपुर नाचा वो सीधा। हाँ सीधा सीधा फार अवे यश एफ ए आर ए डब्ल्यू ए वाई वाई एस एच ए वाई। तो भाई अभी थोड़ा सा यहीं पर बैठे हैं, यहाँ से हमको देखना है रास्ता पिपरिया के लिए या फिर छिंदवाड़ा के लिए अगर मिल सकती है गाड़ी तो। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। तो रोशन भाई हमको मिले हैं अभी यहाँ पे, तो ये तो पाल के रखते हैं इनको तो चलते हुए रोशन भाई ने हमको छोड़ दिए बाबा ही तक के, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन भाई। कुछ करते करते आगे हम लोग जिला नर्मदापुरम, भाई साहब ने छोड़ दिए थे थोड़ा सा 500 मीटर पहले, तो यहाँ से ट्राई करते हैं तो भाई दूसरी गाड़ी लेने की। क्या नाम? बस्तर। हाँ तो भाई एक ट्रक वाले भैया ने रोके हैं, वो उनको एक लोकेशन जाना है बख्तरा करके बोल रहे हैं, तो ये ट्रक में अभी वो गए हैं पूछने के लिए।
अगर बख्तरा साइड जाएंगे और बख्तरा साइड के बीच में अगर छिंदवाड़ा या फिर परासिया पिपरे कुछ पड़ता होगा तो अपन करेंगे उसमें। तो गए हैं वहाँ पर अभी तो नहीं, बख्तरा मैंने मैप पे देखा वो थोड़ा सा दूसरी जगह में है, बख्तरा यहाँ पर नहीं है भाई। अभी मुझे कम से कम 15-20 मिनट हो गए यहाँ पे के आगे, थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ियाँ कम जा रही हैं, लोकल वाली हैं थोड़ी थोड़ी जा रही हैं। अब एक एक करके मुझे देखना पड़ रहा है, अभी काफ़ी सारे पूछा लेकिन रास्ता उनका वो नहीं था। अगेन मैं यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास खड़ा हो गया हूँ ताकि पेट्रोल पंप में अगर कोई गाड़ी भरवाने आए तो यहाँ से निकले तो मेरे को एक ईजी वे चला जाए और दूसरा ये रोड की गाड़ी आती रहे। लग रहा है ट्रक शायद मिल जाए मेरे को रुकने के लिए कहीं पे। करीब करीब आधे घंटे पौन घंटे लगे यहाँ से, मतलब डायरेक्ट दुबई में ऐसे ही मिल जाएंगे वहाँ से वहाँ। अच्छा ये रिजॉर्ट, हाँ भाई ये जो एरिया है अभी हमारे आपने रोड देखा पीछे वो जाता है मड़ई की तरफ, और मड़ई एक ऑलरेडी कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे लोग आते हैं। एक आध बार कभी हमारा प्लान बनेगा तो वहाँ का हम जरूर शूट करेंगे। भाई अभी हम लोग आ गए हैं सुहागपुर। भैया थोड़ा सा गाड़ी आराम से चलाते हैं, 30-40 की स्पीड में, और यहाँ उनको थोड़ा सा बैंक में काम है 5 मिनट का, तो आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है जब तक के थोड़ा सा मैं भी आराम कर लूँ, बैठे बैठे पिछवाड़ा दुखने लगा है। हाय हाय, और अब सर बैग को थोड़ा सा मैं सामने रख दूँगा स्कूटी में, कंधे में टंगा तो ये कंधे दुखने लगे हैं। नहीं इधर से आप इधर खड़े हो जाओ, आपको बहुत ट्रक मिल जाए। देर से नाश्ता नहीं हुआ है तो सोचा अब नाश्ता कर लूँ थोड़ा सा। नाश्ता मतलब घर से पोहा खा के निकला था, अब यहाँ पे कुछ नाश्ता करना ज़रूरी है। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं मटकुली, और ये मेरे सामने जा रही है गाड़ियाँ। तो भाई मेरे जो राइट साइड वाला एरिया है यहाँ पर सीधा आप जाएंगे तो 30 किलोमीटर बाद पड़ता है पचमढ़ी, या बोर्ड में आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से हमको जितना डिस्टेंस कवर करना है 150 किलोमीटर और करना है, 200 किलोमीटर हमारा कवर हो गया है। अब यहाँ पर ऐसा हुआ मेरे साथ कि जो शोभापुर पड़ता है वहाँ से ट्रक डाइवर्ट हो जाता है। जो भाई अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:05 तो अंधेरा होने से पहले मुझे लिफ्ट मिल जानी चाहिए, क्योंकि अंधेरा होने के बाद भाई चांसेस बहुत कम होते हैं कि कोई तुम्हारे लिए गाड़ी रोके। रात का टाइम होता है तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का रीज़न बन जाता है। यहाँ गाड़ियाँ तो जा रही है पचमढ़ी से निकल के वापस, लेकिन पूरी गाड़ियाँ फुल हैं। अभी 12:15 और पहुँच गए, थक गए बहुत ज़्यादा थोड़ा। भाई कल बात करते हैं फिर सीधा ब्लॉग ख़त्म करते हैं।